11 अप्रैल 2011 को ये समाचार प्रकाशित हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाए तो जज श्री मोदी जी को जेल में होना था। आपको मध्य प्रदेश की बताया था, यहाँ पर मर्डर होना बड़े आसान काम है। इस बहादुरी के साथ मैंने लिखा, आज मैं जिंदा हूँ। माननीय न्यायालय के तरफ से काफी दबाव, फोर्स ही बोला गया कि अपोलॉजी करिए, कई बार फोर्स बुला लिया गया कि आपको गिरफ्तार करेंगे, और मिलर्ड उन सब से मैं निर्भीकता होके तो मैंने, चलिए जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत में निपट। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? उसके अलावा कुछ भी कहना? नहीं, अब लास्ट जो 10 साल जो पहले हियरिंग हुई थी सर मिलोट, तो उसमें यही आर्गूमेंट बोर्ड माननीय न्यायालय के समझ आए थे, या तो अप्रोच दीजिए आप या फिर ट्रायल पेश करिए। तो अब पेपर बुक के लिए बात माननीय न्यायालय ने बोला था, लेकिन मैं ऑर्डर कल फाइल में देखा था तो पेपर बुक का चित्र नहीं आया। माननीय न्यायालय जो उचित समझे वो मैं तैयार हूँ सर। पटोजी के बारे में तो आप पहले से आप कुछ कहना आप कह दीजिए, राइटिंग में कह दीजिए, पढ़ना है आपको आज लिखे नहीं ठीक, राइटिंग में देना तो आप राइटिंग में दे दीजिए। कब पूरा करूं मिलेड उसको इसीलिए जो राइटिंग में देना है ये, जैसा भी 2 बजे तो मिलेड मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ मिलेड 11 अप्रैल 2011 को ये समाचार प्रकाशित हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाए तो जज श्री मोदी जी को जेल में होना था, ये शीर्षक रखा हुआ था। इसको जब पब्लिश हुआ मार्केट में आया तो माननीय जज साहब ने, तो उन्होंने ना रजिस्ट्रार के द्वारा मेरे को नोटिस उपलब्ध करवाया, तो जो मैंने मिलोट छापा था इसमें भी मैटर में भी मैंने एविडेंस दिए थे, ये मतलब ऐसा भाषण वाला आर्टिकल नहीं था। मिलो ऊपर देखेंगे तो कुछ मतलब जो उनके व्यक्तिगत केस थे, एक सुप्रीम कोर्ट में भी जो ऑर्डर हुआ था उसका भी मैंने जिक्र किया था, उस आधार पे ये हेडिंग बन रही थी मिलोट। तो अब चूंकि अब हम लोग पत्रकार हैं मिलोट, वो हमारा काम छापने का रहता था, वो हमने कर दिया था, लेकिन जब जुडिशियल प्रक्रिया में हमको इनसे लड़ना तो है नहीं है किसी से, तो यदि हम उसमें पार्टी बनते, जो पार्टी जो भी एक्स वाई जेड थी सर, तो वो लोग है ना डैमेज होते गए या शांत होते गए और ये प्रक्रिया है ना शांति में चलती रही, तो उस एविडेंस को मैंने सब लिखा हुआ था। मिलोट काफी लंबी कहानी है मिलोट में, और समझिए मिलोट में ना 10 साल 2011 का निकाला था, तो 3 साल मैंने जबलपुर फेस किए, और आपको मध्य प्रदेश की बताया था यहाँ पर मर्डर होना बड़े आसान काम है। इस बहादुरी के साथ मैंने लिखा, आज मैं जिंदा हूँ, अखबार जिंदा है, और आज तक एपोलॉजी नहीं छापी चमनवाड़ी अखबार ने। माननीय न्यायालय के तरफ से काफी दबाव, फोर्स ही बोला गया कि एपोलॉजी करिए, कई बार फोर्स बुला लिया गया कि आपको गिरफ्तार करेंगे, और मिलर उन सबसे मैं निर्भीकता होके तो मैंने, चलिए जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत मैं निपट लूंगा, लेकिन आफ्टर 10 साल बाद अब हियरिंग पे आया है तो मेरे में शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता तो है नहीं है, और मिलोट फिर भी यदि इसको ट्रायल पेश करने के लिए कहेंगे तो जो मैंने ऑलरेडी पुटअप किया है वो सारा मेरे लिए अपने आप में तथ्य है। 3 महीने सर मिलोट इसमें पेश किए थे, पहला फाइल एफिडेट था 22 जून 2011, सेकंड मेरा एडिशनल रिप्लाई था 27 जुलाई 2011, और तीसरा मेरा 24 एफिडेट विद एविडेंस तीनों 24 अक्टूबर 2013। जैसा मिलोट मेरा जबलपुर चल रहे थे केस, फिर मैं यहाँ से चूंकि वहां 2 साल जाता रहा, परेशानी होती थी, तो मैं यहाँ पर मिलोट ट्रांसफर करा लाया ग्वालियर, और यहाँ 2 हियरिंग भी लगी मानी यूसी मासी और गंगले साहब के सर, तो काफी है ना उन्होंने कहा कि एपोलॉजी करके आप, तो अब चूंकि वो हेयरिंग पे लास्ट आए नहीं सर मिलोट, तो फिर मैं सोचा शायद केस खत्म भी हो गया, और सर आप मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं संयोग बस कल ग्वालियर था, शादियां चल रही हैं इधर, और मैं नहीं होता तो आज मेरे साथ कोई भी अनोनी अलग ऑर्डर हो सकता था। मैं हाथ जोड़ के और अब मैं क्या कहूँ, बहुत बड़े आदमी से टकराट हो गई, हालांकि मेरे हमारे फैमिली ट्रम से फादर से भी रहे, फादर ही मेरे एडवोकेट रहे, आप कहेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ हर तरीके से, लेकिन जय क्या वो
कपड़े फटेंगे, खून निकलेगा, मर्डर तो होना ही होना, चाइन का होगा चंगेरा होगा, तो ये अरबों की संपत्ति है। और माननीय न्यायालय के समक्ष कई ऑर्डर ऐसे हो चुके हैं तो वो मेरा बोलना कंटेम्प्ट में जाएगा, तो मैं उस चीज को नहीं दोहराना चाहता, इसलिए मैं काफी समय शांत हो गया। फिर मैंने मिरर लगा के कुछ ना कुछ कई हो जाती है न्यायपालिका में, एस जी ए के गैर एब्सेंट में ना आपके तहत कुछ ऐसा बैग में ऑर्डर कर लिया जाए, इसलिए मैंने पी आई एल भी लगाई मिरर पी आई एल के तहत मेरी है ना 3-4 साल वो केस भी चला, सिर्फ इसलिए कहीं मेरा केस आया तो कहीं एब्सेंट ना दिखा दें, वो होर्डिंग वगैरह सबके लिए मेरा ये चला था जनहित में याचिका थी, और उसमें भी मेरा वो केस भी सुप्रीम कोर्ट गया था होर्डिंग में, लेकिन उसको भी अब आप अन्यथा ले लेंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा बोल्ड बोल रहा हूँ, तो उसको भी है ना केस को दबा दिया गया, जबकि वो करोड़ों की रिकवरी का मामला था ग्वालियर का, करोड़ों की संपत्ति नहीं होती, और निजी कंटेम होता तो आप मेरे को जो भी सजा देते मैं सहज तैयार हो जाता। बोलिए क्या बोलना है आप, मतलब इसके अलावा कुछ भी कहना नहीं? अब लास्ट जो 10 साल जो पहले हियरिंग हुई थी सर मिलोट, और उसमें यही आर्गुमेंट बोर्ड माननीय न्यायालय के समझ आए थे, या तो एप्लॉय दीजिए आप या फिर ट्रायल पेश करिए, तो पेपर बुक के लिए बात माननीय न्यायालय ने बोला था, लेकिन ऑर्डर कल फाइल में देखा था तो पेपर बुक का चित्र नहीं आया, माननीय न्यायालय जो अच्छा समझे वो मैं तैयार हूँ सर। जी के बारे में तो आप जो राइटिंग में देना है जैसा भी 2 बजे तो मिलोट मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ मिलोट 11 अप्रैल 2011 को ये समाचार प्रकाशित हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाए तो जस श्री मोदी जी को जेल में होना था, यह शीर्षक रखा हुआ था। इसको जब पब्लिश हुआ मार्केट में आया तो माननीय जज साहब ने तो उन्होंने ना रजिस्ट्रार के द्वारा मेरे को नोटिस उपलब्ध करवाया, तो जो मैंने मिलोट छापा था इसमें भी मैटर में भी मैंने एविडेंस दिए थे, ये मतलब ऐसा भाषण वाला आर्टिकल नहीं था, मिलोट ऊपर देखेंगे तो कुछ मतलब जो उनके व्यक्तिगत केस थे, एक सुप्रीम कोर्ट में भी जो ऑर्डर हुआ था